हेलो एवरीवन। सर्दियों में गुड़ की चीज़ें तो सभी बहुत खाते हैं, बहुत हेल्दी भी होता है। तो आज हम बनाएंगे मसाला गुड़, जिसमें गुड़ में बहुत आयरन भी होता है और उसमें हमने जो मूंगफली तिल और मसाले डाले हैं उससे हमें बहुत ही गर्माहट और बीमारियों से राहत मिलती है। तो चलिए बनाते हैं ये गुड़ पाक मसाला गुड़। और इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने एक प्लेट ले लिया है या थाली, कोई भी आप, उसमें थोड़ा सा घी लगा के उसे ग्रीस कर लें आराम से और फिर उसे किनारे रख दें। और अब हम कढ़ाई में मूंगफली ले लेंगे और उसे भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से। हमें एकदम कम आँच पे इसे मूंगफली को भून लेना है और फिर इसे किनारे रख देना है ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, तब हम इसे पीसेंगे। और अब हमने सफ़ेद तिल ले लिया है और इसे भी हमें अच्छे से भूनना है। तिल में बहुत सारे फ़ायदेमंद चीज़ें पाई जाती हैं और मूँगफली का हमने छिलका उतार लिया है। और अब हम मूँगफली और तिल को पीस लेंगे, बहुत ही दरदरा ही पीसना है इसे, बहुत बारीक नहीं पीसना है। और अब हमने कढ़ाई में 1 चम्मच के करीब घी डाला है और इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ पे हमने कुटी हुई काली मिर्च, सौंठ का पाउडर और हल्दी पाउडर ले लिया है, इसे डालेंगे और इसे बस कुछ सेकंड तक भूनेंगे। और अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और गुड़ डालेंगे। क्योंकि ये गुड़ बहुत ज़्यादा कड़ा है इसलिए मैंने थोड़ा पानी का यूज़ किया है, वरना इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने से मेल्ट हो जाता है। और अब हम इसे अच्छे से मेल्ट करेंगे जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा और ये थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा। हमें गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। ये मसाला गुड़ बहुत ही हेल्दी होता है, सर्दियों में खाते हो इसे आप सुबह शाम अगर एक एक खाते हैं तो इसे सर्दी जुकाम में राहत भी मिलता ही है, बहुत ताकत भी मिलता है। अब हम पिसे हुए मूँगफली और तिल का पाउडर डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अभी जैसे जैसे इसको डालने के बाद ये गाढ़ा होता जाएगा और नीचे से कढ़ाई छोड़ता रहेगा और एकदम लग जाएगा कि अब जमाने की कंसिस्टेंसी में हो गया है। तो अब हम इसे नीचे उतार लेंगे, गैस बंद कर देंगे और उतारने के बाद इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम ग्रीस की हुई प्लेट में इसको जमा देंगे और ये बहुत ही जल्दी, सर्दियों का टाइम है, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अच्छे से सेट हो जाता है। हमने इसे अच्छे से जमा दिया है और अब हम इसे गर्म गर्म में ही थोड़ी देर बाद, देखिए ये सेट हो गया है, इसे कट कर देंगे। गर्म में ही कट करने से होता है कि अच्छे से कट जाता है, वरना बाद में थोड़ा हार्ड रहता है तो दिक्कत होती है काटने में। और ये देखिए हमारा मसाला गुड़ बन के बिल्कुल तैयार है। इसे रोज़ सुबह शाम एक खाएँ और सर्दी दूर भगाएं, बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर है ये, हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है ये, गुड़ों की खान है ये मसाला गुड़। इसे खाएं, रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।